आपसे चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कार्यपत्रिका जो कि है क्रम संख्या 60 और दिनांक है 1 अप्रैल। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। कक्षा केजी क्लास के लिए है ये, कक्षा केजी की वर्कशीट है ये, कार्यपत्रिका है और आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या करने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए नीचे दिए गए चित्र को गिनने की कोशिश करें और सही संख्या को जानें। गिनते हैं और उनकी सही संख्या को जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है बच्चों? 16, इंग्लिश में बोलते हैं 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हिंदी में बोलते हैं 17, इंग्लिश में बोलते हैं 17। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कितना है? 18। हिंदी में बोलते हैं इसको 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये कितने हैं बच्चों? 19। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्या है? 20। और हिंदी में बोलते हैं हम इसे 20। अब आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, सही गिना। 16 17 18 19 और 20, 16 17 18 19 और 20। चलिए नीचे दिए गए चित्रों को गिनकर उनके सामने डिब्बे में सही संख्या लिखें। तो बच्चों आपको जो है चित्र गिनना है और इस डिब्बे में आपको इन चित्र में कितनी गिनती आ रही है वो आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं? 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं बच्चों? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं? 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने हैं? 16। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब चित्र में दी गई संख्याओं के अनुसार रंग भरिए। तो जो संख्या दे रखी है बच्चों, आपको पहले तो ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर संख्याएं लिखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रंग भरना है। तो देखिए बच्चों, पहले हम संतरी कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले लेते हैं? संतरी। तो ये हमने ले लिया संतरी कलर। ठीक है, तो संतरी कलर भरना है आपको 16। यहाँ पे भरोगे आप जहाँ जहाँ पे 16 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भरोगे, यहाँ पे भरोगे और इस साइड भरोगे। ठीक है, ये हो गया संतरी कलर। अब सफ़ेद वाइट कलर का भरना है आपको बच्चों, तो वाइट कलर आपको फिल करना है 17 जहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा और 17 और कहाँ लिखा है? 17 और कहीं नहीं लिखा, और एक यहाँ पर लिखा है ये वाला कॉलम। ठीक है, मैं आपको ये दूसरा कलर लेके बता देती हूँ। आपको यहाँ पे वाइट करना है और ये वाला जो सर्कल है ना, ये यहाँ पे वाइट करना है। ठीक है, और फिर 18 में है ब्लैक। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। तो 18 कहाँ लिखा है? यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ ब्लैक करोगे और कहीं 18 नहीं लिखा। अब 19 है येल्लो, तो हम लेते हैं येल्लो कलर। तो बच्चों येलो कलर ये रहा आपका, तो 19 में येलो, मतलब यहाँ पूरे में आपको येलो फिल करना है। ठीक है, उसके बाद 20 में है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हम लेते हैं। अब ब्लू कलर आपका ये रहा, तो यहाँ पे इस पूरे में आप क्या कर दोगे? ब्लू कलर फिल कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी ये फिश जो है पूरी रेडी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब आप माचिस की तिल्ली या कार्डबोर्ड और पानी की रंगों की मदद से गिनती के अनुसार डिब्बों में बिंदियां बनाइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, माचिस की तिल्लियां ले सकते हैं आप, या फिर क्या ले सकते हैं, पानी के रंग से आप बिंदी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? एक कार्डबोर्ड लेना है, यहाँ पे 17 लिखा है। तो आप इस तरीके से 17 बिंदियाँ लगा देंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको पानी के रंगों की मदद से बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, बिंदियाँ बनानी है। उसके बाद ये है आपका,
या तो आप माचिस की तिल्ली ले लेंगे, माचिस की तिल्ली के ऊपर रंग लगा के और वहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके इसमें 17, इसमें 20 और इसमें 16 बिंदियाँ लगानी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाक्य के लिए क्या सुझाव दिया गया है। संख्याओं की पहचान बढ़ाने के लिए घर में मौजूद विभिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है, जैसे कि गिलास, कटोरी, चम्मच, खिलौने इत्यादि। तो बच्चों यदि आपकी अच्छी वर्कशीट, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।